नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। अक्सर राहुल गांधी और उनके परिवार के हिंदू होने पर सवाल खड़े होते रहते हैं। कभी राहुल गांधी को पारसी बताया जाता है तो कभी ईसाई, और इसके पीछे जो तर्क दिए जाते हैं वो इनके परिवार के शुरुआती इतिहास और सोनिया गांधी के धर्म से जोड़ा जाता है। इन सब बातों को लेकर इन दोनों सोशल मीडिया पर एक ऐसी पोस्ट तूफानी रफ्तार से वायरल हो रही है जो राहुल गांधी और उनके परिवार को मुसलमान होने का दावा कर रही है। दरअसल वायरल फोटो में राजीव गांधी और राहुल गांधी कलमा पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस फोटो में उनके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव भी दिख रहे हैं, और इस तस्वीर को सोशल मीडिया पर पोस्ट करते समय दावा किया जा रहा है कि ये फोटो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की अंतिम यात्रा की है, और इस दौरान राहुल गांधी राजीव गांधी ने कलमा पढ़ा था। एक यूजर ने इस तस्वीर को सोशल मीडिया पर पोस्ट करते समय लिखा है कि इंदिरा की लाश के सामने राहुल और राजीव गांधी कलमा पढ़ रहे हैं और फिर भी ये लोग अपने आप को जनेऊधारी ब्राह्मण बताते हैं। इसके अलावा कई और यूजर्स ने भी इस तस्वीर को सोशल मीडिया पर पोस्ट करके गांधी परिवार के धर्म पर सवाल खड़े किए हैं। इस वायरल फोटो की सच्चाई जानने के लिए हमने पड़ताल शुरू की। सबसे पहले हमने इस फोटो को गूगल रिवर्स इमेज में सर्च किया तो ये तस्वीर पाकिस्तान के विधायक और पेशावर हाईकोर्ट के वकील मोहसिन दवार के ट्विटर हैंडल पर मिली, जिसमें उन्होंने इस फोटो को पोस्ट करके लिखा था कि बच्चा खान की अंतिम यात्रा में राजीव गांधी, सोनिया गांधी और नरसिम्हा राव। उनके ट्वीट से साफ है कि ये फोटो बच्चा खान यानी खान अब्दुल गफ्फार खान की अंतिम यात्रा की है। दरअसल गफ्फार खान का जन्म पाकिस्तान के पेशावर में हुआ था और उन्होंने अपनी आखिरी सांस भी पेशावर में ही ली। गफ्फार खान का निधन 20 जनवरी 1988 को 98 साल की उम्र में हो गया था, और मौत के बाद उनकी इच्छा के अनुसार ही उन्हें अफगानिस्तान के जलालाबाद में दफनाया गया था, और इनकी अंतिम यात्रा में राहुल गांधी, राजीव गांधी और नरसिम्हा राव भी शामिल हुए थे। खान ने भारत की आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, इसलिए उन्हें सरहदी गांधी के नाम से भी जाना जाता है। आपको ये भी बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी की मौत गफ्फार खान की मौत से 4 साल पहले यानी कि 31 अक्टूबर 1984 को हुई थी। इंदिरा गांधी पर उनके ही दो बॉडीगार्ड बेअंत सिंह और सतवंत सिंह ने गोली चला दी थी, जिस वजह से उनकी मौत हो गई थी। इसलिए हमारी पड़ताल में सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली राहुल गांधी, राजीव गांधी की ये फोटो 30 साल पुरानी गफ्फार खान के जनाजे की निकली है, इसलिए इसे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के अंतिम संस्कार की फोटो बताने वाले दावे एकदम फर्जी साबित हुए हैं। वीके न्यूज़ की मुहिम फाइट अगेंस्ट फेक न्यूज़ जारी है। अगर आपके पास भी इस तरह की कोई तस्वीर या पोस्ट है जिसकी सच्चाई पर आपको शक है तो उसे हमारे साथ साझा करें, हम उसकी पड़ताल करके सच्चाई आप तक पहुंचाएंगे। ऐसी तमाम तरह की फर्जी खबरों का खुलासा पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज़। शुक्रिया।